हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। एसकेएम एग की अगर मैं बात करूँ तो एसकेएम एग से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई थी और उस टाइम शेयर अगर आप देखोगे तो 150 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ के आसपास, अगर आप यहाँ पर चाल देखोगे ना, यहाँ पर हमने बनाना शुरू करी थी। ठीक है, हाँ 125-135 के आसपास ही बनाई थी बल्कि, और यहाँ से लेके अगर आप देखोगे 550 के आसपास है ना ये शेयर जाता हुआ नजर आया था। उसका लगातार गिरावट हो रही थी और मैं जब यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, मैं बार बार कह रहा था कि ये शेयर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, और ये शेयर यहाँ तक आया भी है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ तक आया भी। बट अभी अगेन मुझको कुछ कमेंट आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को देखना है, सीखना है, और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक पैसा नहीं बना पाओगे, और जब सीख लोगे तो आपको चाल समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, स्टेज वन क्या होती है, स्टेज टू थ्री फोर फाइव है ना, 4 1 2 3 किस तरीके से रिपीट होता रहता है ना, उसी तरीके से रिपीटेशन चलता हुआ नजर आता है। तो आप यहाँ पर सीखे, सीखने के लिए वीडियोज है, वीडियोज में बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, और साथ में अगर आप चाहते हो तो हमारा कोर्स कर सकते हो जहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल शेयर को क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये सब चीज इसमें आ जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ बताया जाता है। 25,000 रुपये का कोर्स है, एक बार कोर्स कंप्लीट किया पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजीज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स सब कुछ दिया जाता है। कोर्स कंप्लीट होते ही साथ आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ, आप कभी भी कुछ भी मुझसे पूछिए। और 8860540501, 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद क्या, सेव करने के बाद कांटेक्ट करिए हमसे ताकि आप हमारे कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सके, और साथ में काम करना है तो काम से रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि हम आप मेरे साथ काम करके किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एसकेएम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड की बात करें तो देखिए, हमने पहले इस शेयर को दिया था, काफी बार दिया था, उस टाइम यहाँ पर पैसे भी बने, आप देख भी सकते हैं लास्ट ईयर है ना, और वहां से पैसे बना के हम भी निकल गए थे, और मैंने आपको बताया भी था कि हम यहाँ पर निकल चुके हैं। ठीक है ना, अभी हम इस पर्टिकुलर शेयर में नहीं बने हुए, क्यों, क्योंकि चीजें यहाँ पर दिख जाती है, जब दिख जाती है तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना होता है। अब क्या यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 1996 में एसकेएम प्रोडक्ट है ना एक्सपोर्ट लिमिटेड इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग एंगेजमेंट इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ एग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ एग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंपनी क्या है, एग और एग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है, अलग अलग इन्होंने सर्टिफिकेट ले रखे हैं। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेकरी में काम आते हुए दिखाई देते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइसक्रीम में आते हुए दिखाई देते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर बर्गर किंग बन वगैरह बनाने में, टिकीज वगैरह बनाने में, इन सब चीज़ में इनके प्रोडक्ट यूज होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग पाउडर देते हैं, बेकरी मेक्स लिक्विड एग्स, अलग अलग ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं, मेयोनीज सैलेड ड्रेसिंग मीट एंड फिश, अलग अलग प्रोडक्ट में इनका काम होता हुआ नजर आता है। और कंपनी केवल इंडिया में ही नहीं है ना, आउटसाइड इंडिया भी ये अच्छे तरीके से काम करती हुई नजर आती है। एक बार जाके इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता चलती हुई नजर आएगी, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, और इंडिया में नहीं आउटसाइड इंडिया और अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। तो होप बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो बिजनेस मॉडल में क्या है, एक सिक्लिकल बिजनेस भी है, सिक्लिकल इन द सेंस जैसे जैसे गर्मी आती है ना, तो गर्मी के कारण एक कप जो एग ईटर्स होते हैं ना वो यहाँ पर क्या है, कम कर देते हैं एग्स को खाना, बट जैसे जैसे सर्दी आती है डेली एग चाहिए, राइट, टू वार्म योरसेल्फ। तो इसलिए क्या है, आपको वो चीज समझनी भी होगी। तो यहाँ पर अभी गर्मी चल रही है इसलिए यहाँ पर आप इनकी सेल्स में एक डिक्लाइन देखेंगे, बट जैसे जैसे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर सर्दी की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एग का प्रोडक्शन, एग की यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना। देखिए मार्केट कैप 676 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो क्या है, माइक्रो कैप। माइक्रो कैप स्मॉल कैप से भी छोटा होता है, और जब मैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखना है कि जब शेयर भागता है तो याद रखिए पागलों की तरह भागता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भागा,
और फिर जब गिरता है तो उसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आता है, ये देखिए यहाँ भागा यहाँ गिरा। तो इसलिए आपको सही टाइम पे लेना सही टाइम पे बेचना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपने कोर्स में हम यहाँ पर क्लियरली बताते हैं, क्लियरली सिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर काम करते हुए देखना है। ठीक है, दूसरी स्मॉल कैप की बात करें तो देखिए हमारे चैनल का नाम भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, इसमें एक्सपर्टीज है हमारी, हम इसी में काम करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा स्टॉक पीई की बात करें तो 7 का पीई है, इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 38 का पीई है। तो देखिए बहुत सस्ता शेयर नजर आता है, ठीक है, और ऐसे ही शेयर याद रखिए मैं हमेशा कहता हूँ पीई के बेस पे काम नहीं करना, ठीक है, बट पीई को इग्नोर भी नहीं करना, और ऐसे ही पीई कम पीई वाले स्टॉक्स कब यहाँ पर ज्यादा पीई के बन जाते हैं और शेयर प्राइस कब 200 से यहाँ पर 1000 रुपए 2000 तक भी जा सकता है आपको पता भी नहीं चलेगी, बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, उन सारी कंडीशंस को मीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके उस माइलस्टोन को पाया जा सकता है। अदरवाइज ये फिर ऐसे स्टॉक है जो इतने सालों से इतने सस्ते पे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वजह है, शायद इसी वजह से सस्ते में है। अब बात करते हैं और चीजों की, तो आपको पता चलेगा कंपनी के पास 53% का डेट है, इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही शेयर चलता हुआ नजर आता है, 10 की फेस वैल्यू है ना, 97% के आसपास का कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ समझ में आएगा कंपनी के नंबर से रिलेटेड, देखिए कॉन्स कुछ नहीं है, सारे प्रोज ही प्रोज यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी की सेल्स 61 करोड़ रुपए से सेल्स धीरे 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 बढ़ के है ना अच्छी खासे लेवल पे चलेगी 162, बट जब हम यहाँ पर काम कर रहे थे इस कंपनी में तब ये हाईएस्ट एवर सेल्स पे पहुंच रहा था, 187 210 के आसपास की सेल्स थे, और उसके बाद भी आप देखेंगे तो डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है, वो मैं किस वजह से आया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी गर्मी चालू है ना, तो इस वजह से डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर हम बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ पर बढ़ गया था वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पर कम हो गया, 30, 35, 28, अब 12, 10, तो यहाँ क्या डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। और जब इस तरीके से डिक्लाइन होता है ना तो कहीं ना कहीं किसी वजह से होता है, और जब वजह मिलती है और जब शेयर इतना भाग जाता है ना, और ये वजह ही काफी होती है शेयर को अच्छा खासा 30, 40, 50% ऐसे छोटे शेयर को गिराना, इसलिए सही टाइम पे लेकर सही टाइम पे बेचना मैं हमेशा बताता हूँ, प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप कहोगे इतना होल्ड किया ये शेयर यहाँ से 4 गुना हो गया, बट 4 गुना के बाद दोबारा वहीं आ गया और आपने कमाए 0। सेल्स की बात करें यहाँ पर देखेंगे लगातार सेल्स बढ़ी है, ये एक अच्छी बात है, ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है, ये भी अच्छी बात है ना। यहाँ पर बात करें रिजर्व्स की तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 251 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें बोरिंग 146 करोड़ रुपीस के आसपास की यहाँ पर बोरिंग है, इस बार इनकी बोरिंग बढ़ती हुई नजर आई है, ठीक है ना, वो जो अच्छी बात नहीं है, जिसका इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ के 10 करोड़ तक पहुंच गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का इंटरेस्ट है ना 3-3 करोड़ तक जा रहा है, जाता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेस पे, और शायद इस बार और जाता हुआ नजर आए, अभी जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगी। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स अच्छे खासे है, वर्किंग प्रोग्रेस में 34 करोड़ रुपए लगे, इसका फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, इन्वेस्टमेंट 8 करोड़, और कैश की बात करें तो 141 करोड़ रुपीज के आसपास का कैश भी पड़ा है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर हमेशा देती हुई नजर आई है, ये एक पॉजिटिव बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रमोटर्स के पास एज इट इज प्रमोटर्स ने शेयर नहीं बेचे, याद रखिएगा 55.11% के शेयर यहां पर प्रमोटर्स के पास है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एफआईज की बात करें, एफआईज यहां पर शेयर यहां पर देखिए एफआईज ने भी बेचना तभी चालू कर दिया था, एफआईज ने पहले लिया था है ना अच्छे खासे यहाँ पर लेते हुए नजर आया, जब शेयर गिरता हुआ नजर आया तो एफआईज भी इस पर्टिकुलर शेयर से निकलते हुए एग्जिट इस क्वार्टर में उन्होंने ले लिया है। डीआईज की बात करें, डीआईज छोटे शेयर में है नहीं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर 44% के शेयर है, बट 44 में भी देखेंगे कुछ लोगों के पास यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर थोड़ा ट्रेड्स की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आएगा, देखिए 15 फरवरी को एसके सार्थ राम को इंटर यहाँ पर ये ट्रांसफर हुए थे कुछ शेयर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बल्क डील देख सकते हैं, बल्क डील क्या चल रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे नवंबर 2023 से प्रमोटर्स ने भी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर माल निकालना शुरू कर दिया था। तो अभी एज सच क्या दिखाई देता है मुझे, एज सच मुझे दिखाई देता है कि कंपनी के जिस तरीके से डिक्लाइन आ रही है, ठीक है ना, अभी एक आध क्वार्टर और शायद इस क्वार्टर और प्रॉब्लम आ सकती है इस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वार्टर या उससे नेक्स्ट क्वार्टर में ये शेयर में दोबारा जंप आती हुई दिखेगी, उस टाइम इस शेयर में जो पूरा का पूरा स्टेज वन का कंसोलिडेशन रहता है वो भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी क्या,
अभी क्या करना है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। नंबरों को नोट करके कॉल मैसेज करके आप हमारे साथ कोर्स कर सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए शेयर ने पहले अच्छे खासे रिटर्न दिए और वही रिटर्न जैसे कि मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर छीनते हुए भी नजर आया है। अगर मैं बिल्कुल टॉप की बात करूँ कहाँ तक गिरा तो 62% गिरा है, अभी भी अगर मैं बात करूँ तो अभी भी 54% की यहाँ पर गिरावट है, ठीक है ना। 54% की क्या दिखाई दे रही है, गिरावट रखती है, मैं ये सब चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नई शुरुआत होगी। अब देखिए स्टेज फोर के बाद स्टेज वन चल रही है, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ले सकते हैं नहीं ले सकते वो तो आप अपने आप देखिएगा। मैं यहाँ पर अभी टच नहीं करने वाला ऐसे शेयर को, अभी मैं जब यहाँ पर वीकनेस है बिल्कुल चार्ट में, ऐसे टच करना मतलब गलती है। क्यों? क्योंकि स्टेज वन क्या होता है, स्टेज वन में बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, कभी कभी महीनों में गुजर जाते हैं, कभी कुछ वीक गुजर जाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे स्टेज वन में मैंने देखा है कि 5-5, 7-7 साल गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर लेना एक टाइम की बर्बादी होती हुई नजर आती है, ठीक है ना, और हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब कब ले सकते हैं इस शेयर को, ठीक है ना, इस शेयर को लेने का के आप तब लीजिएगा जब ये शेयर 330 रुपए के आसपास, 330 को क्रॉस कर दे तब लीजिएगा, तब आप देखेंगे कि 555 का लेवल इसने बहुत जल्दी टच कर दिया, और उसके बाद जब ये और भाग रहा है तो शायद 1000 रुपए तक भी टच कर सकता है, बट अभी नहीं, ठीक है ना। आप सोचोगा कि अभी हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऑपरेट, हाँ, बट यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, कि ये शेयर को शायद अभी नहीं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने बाद इस शेयर में एक जंप दिखाई दे सकती है। एक बार रिजल्ट आएंगे, एक रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, उस टाइम एक बार यहाँ पर बातें करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इस शेयर से दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और जो यहाँ पर अटके हुए हैं, ठीक है, उनके लिए सलाह यही है कि आप तो गाड़ी निकल चुकी है, शांति से केवल टाइम दे दीजिए, टाइम देंगे तो शायद 1-1.5 साल लग जाए आपका लेवल आने में। जब आ जाएगा लेवल, है ना, तब बेचने की गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब लेवल आ जाता है लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पर शायद थोड़ा सा टाइम और आपको देना पड़ेगा, ये शेयर दोबारा यहाँ पर आपके जितना टाइम आपने वेट किया है उसको यहाँ पर आपको रिलैक्स कर देगा कि हाँ अच्छे रिटर्न चलो मेरे बन गए। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखना है, सीखने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करना है, वीडियोस देखना है, नंबरों को नोट करना है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।